और चलिए बात करेंगे जबलपुर की, जहां पिछले 3 दिनों से कोहरे और शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है, जिसे देखते हुए जबलपुर कलेक्टर ने नर्सरी और आंगनबाड़ी सहित पहली से लेकर 5वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए जिले में 5 से 7 जनवरी तक 3 दिनों की छुट्टी घोषित कर दी। तो वहीं दूसरी ओर कड़ाके की ठंड में जबलपुर रेलवे स्टेशन पर मजदूर यात्रियों का हाल बेहाल है। बावजूद इसके स्टेशन के आसपास जिला प्रशासन न ही रेलवे ने यात्रियों को ठंड से बचने के लिए कोई उपाय किए हैं, जिसको लेकर यात्रियों के साथ साथ स्थानीय लोगों में अच्छी खासी नाराजगी देखी जा रही है। तो कोहरे का प्रकोप जो है वो लगातार जारी है, ठंड से यात्रियों का बुरा हाल है। शहर में कोहरे और शीतलहर से यात्री परेशान हैं। पिछले 3 दिनों से कड़ाके की ठंड अपना कहर ढा रही है, इसको लेकर 6 माह की एक बच्ची की भी मौत यहाँ पर जबलपुर में हो गई थी। और इसको लेकर जो जबलपुर कलेक्टर हैं सौरभ कुमार सुमन, उन्होंने जो नर्सरी है और आंगनबाड़ी है और पहली से लेकर 5वीं तक की जो क्लासें हैं वहाँ पर छुट्टियाँ घोषित कर दी हैं। इसके साथ ही आपको बता दें जो इस वक्त जबलपुर का मौसम है वो 8.7 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर अभी तो इसका तापमान यहाँ पर नापा गया है। और इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो सब्जी बेचने वाले हैं, ये आग जलाकर यहाँ पर ठंड से कुछ राहत पाने कि यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। जी बताएं किस प्रकार ये ठंड का मौसम देख रहे हैं आप? इस टाइम बहुत तेज कड़ाके की ठंड पड़ रही है, इंसान की हालत खराब है। हम लोग देखो आगे ताप ताप के ही काम कर रहे हैं, करा रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं। कब से ये ठंड पड़ रही है यहाँ पर? तीसरा चौथा दिन है आज जो बहुत तेज़ी की ठंड पड़ रही है जी, और प्रशासन की ओर से कोई हेल्प नहीं है, किसी किस्म का कुछ नहीं है, बस कड़कड़ा रहे हैं। जैसा कि ये रेलवे स्टेशन का इलाका है, यहाँ पर कोई जिला प्रशासन ने अलाव वगैरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर पहले करता था, पर अब वो कोई कुछ नहीं करता है, सब ऐसे ही है। कुल ये थे स्थानीय लोग, इनका तो साफ कहना है कि जिला प्रशासन को यहाँ पर अलाव वगैरह की व्यवस्थाएं बनानी चाहिए, क्योंकि ये रेलवे स्टेशन का इलाका है और यहाँ पर दूर दराज से जो मुसाफिर हैं वो यहाँ पर उतरते हैं, लेकिन देर रात तक यहाँ पर कोई भी अलाव व्यवस्था नहीं होने पर को लेकर जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं जिला प्रशासन पर एक सवालिया निशान जरूर लगा रहे हैं। जबलपुर से INS न्यूज़ के लिए फतेह सिंह।